Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. So let us start with our today's topic. And आज का जो हमारा topic होगा वो German School of Geography का होगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये schools of geography या फिर schools of thought है क्या. Like हमारे पास thought में काफी अलग अलग schools है, German, France, US, Britain. ये क्या है और हम इनको क्यों पढ़ते हैं. तो पहले जो ज्योग्राफी है उसकी कोई फॉर्मल स्टडी कैरी आउट नहीं की जाती थी. ये बहुत लेटर पीरियड में हुआ कि इस ज्योग्राफी को एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा. तो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है कि जब पहली बार ज्योग्राफी की अलग अलग जगह पर फॉर्मल स्टडी स्टार्ट हुई, उसका फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटीज में, तो तब किन किन ज्योग्राफर्स ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है इसको एज अ सब्जेक्ट फ्लरिश करने के लिए. तो चलिए देखते हैं कि जो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है हमारा, उसमें कौन कौन से स्कॉलर्स हैं हमारे पास. सबसे पहले आते हैं ऑस्कर पिशिल. इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1826 से लेके 1875 का रहा है. ये एक लीडिंग जर्मन ज्योग्राफर थे एंड ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्ज़िग. लिप्ज़िग में ये एज एन प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे. इनके पास क्रिटिकल ऑफ द अप्रोचेस ऑफ बोथ हम्बोल्ट एंड रिटर. हम्बोल्ट एंड रिटर जो अपनी स्टडी में अप्रोचेस अपनाते थे उसके ये कहीं ना कहीं फेवर में नहीं थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे. He was editor of Das Ausland. अब ये Das Ausland है क्या? ये उस समय एक periodical start हुआ था जिसमें geography से related काफी सारे articles publish किए जाते थे जो foreign countries के होते थे. तो ये जो periodical है इसका नाम था Das Ausland और इसके editor थे Oscar Pischel. He was historian of geography, wrote extensively on history of geography. अब ये ज्योग्राफी के हिस्टोरियन थे. इससे क्या मतलब है कि जो ज्योग्राफी की हिस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उस पर बहुत काम किया है. अपार्ट फ्रॉम देन ही रोट जेशीट दे इरकोंडे. ये भी इनकी बुक का नाम है, इनके काम का, इनके वर्क का नाम है जो इन्होंने 1865 में पब्लिश किया है. विद द हेल्प ऑफ मैप्स स्टडीड द फायर्ड्स ऑफ नॉर्वे. अब इन्होंने जो है मैप्स की मदद से फायर्ड्स ऑफ नॉर्वे को स्टडी किया है. और अब ये फायर्ड्स हैं क्या, ये फिशर्स हैं अर्थ सरफेस में. ही डेवलप्ड कंपैरेटिव ज्योग्राफी. इन्होंने कंपैरेटिव ज्योग्राफी को डेवलप किया है. कंपैरेटिव ज्योग्राफी क्या है, जिसमें हम दो अलग अलग चीज़ों पे लैंडफॉर्म में फिनोमेनाज में कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव नेचर हो जाता है. तो इन्होंने अपनी स्टडी में काफी कंपैरिजन किया है, तो इन्होंने कंपैरेटिव ज्योग्राफी को भी डेवलप करने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है. ही एस्टैब्लिश्ड फिजिकल ज्योग्राफी एज अ साइंस. इन्होंने ये बात कही है कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है एक साइंस है. ही ऑल्सो बिलीव दैट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आर एंटायरली सेपरेट डोमेन्स ऑफ नॉलेज. दूसरी चीज उन्होंने क्या, फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों बहुत ही अलग अलग डोमेन्स हैं नॉलेज के. ये दोनों बहुत अलग कंसेप्ट्स हैं, बहुत अलग स्टडीज हैं. ओरिजिनेटर ऑफ ड्यूअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. अब जब इन्होंने ये बोल दिया कि ये दो दो चीजें अलग हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ज्योग्राफी में हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एक साथ पढ़ते हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है. बट इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों बहुत ही अलग डोमेन है नॉलेज के. तो जो डुअलिज्म है इनके बीच में, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में, उसका ओरिजिन ऑस्कर पिशिल ने किया है. अच्छा, उन्होंने और किस बारे में लिखा है, रेसेस ऑफ, उन्होंने एक बुक लिखी है द रेसेस ऑफ मैनकाइंड.
द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन 1976 में ये पब्लिश हुई है, जिसमें इन्होंने अलग अलग रेसेस, वर्ल्ड के अलग अलग रेसेस के बारे में लिखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास है फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफन। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1833 से लेके 1905 तक का रहा है, और इनकी जो फॉर्मल फॉर्मल ट्रेनिंग है वो एज अ जियोलॉजिस्ट हुई थी, बट इन्होंने जो है आपके बर्न, लेप्जिग और बर्लिन इन जगहों पर ज्योग्राफी भी पढ़ाई है। वैसे मेनली अगर इनका इंटरेस्ट देखा जाए तो ही वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन जियोमॉर्फोलॉजी और द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था, ये लैंडफॉर्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ही प्रिपेयर्ड अ मैप ऑफ कोल फील्ड्स ऑफ चाइना, चाइना के कोल फील्ड्स का इन्होंने एक मैप भी बनाया है। एंड नोटेड दैट लोस फॉर्मेशन ऑफ नदन चाइना, नदन चाइना में जो लोस फॉर्मेशन होती है उसको भी इन्होंने ही पिन पॉइंट किया है, नोट किया है। ही वाज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव स्ट्रेच ऑफ लैंड टू द ईस्ट ऑफ गोबी डेजर्ट। ये पहले इंसान थे जिन्होंने जो गोबी डेजर्ट है उसके ईस्ट में जो लैंड का स्ट्रेच है उसको नोट किया है। इस डेजर्ट के ईस्ट में क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये जो रेतीली मिट्टी होती है ये आगे तक जाकर और इस पूरे लैंड को कवर कर देती है, तो इसको भी पहली बार रिक्टोफन ने ही नोट किया था। अब अगर इनके ओपिनियंस की बात की जाए तो ही ओपिन द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज टू फोकस अटेंशन ऑन डाइवर्स फिनोमिना दैट अकर इन इंटर रिलेशन ऑन द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ अर्थ। कि ज्योग्राफी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कि ज्योग्राफी अटेंशन दे किस चीज पर, जो अर्थ पर अलग अलग फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो अर्थ पे इंटर रिलेशन होती है उसमें जो फिनोमिनाज होते हैं उस पे फोकस करने की बात कही है रिक्टोफेन ने। ही सजेस्टेड द मेथोडोलॉजी टू स्टडी ज्योग्राफी, इन्होंने ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए एक मेथोडोलॉजी दी है जिसमें ये कहते हैं कि फर्स्ट द फिजिकल सेटिंग एंड देन द एडजस्टमेंट ऑफ मैन, कि पहले हमें एक जगह की फिजिकल सेटिंग को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट ऑफ मैन पे स्विच करना है, फिर उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में स्टडी करना है और उनको इवेल्युएट करना है। ही वॉज फर्स्ट जर्मन स्कॉलर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। जनरल रीजनल ज्योग्राफी में डिफ्रेंशिएट करने वाले ये पहले जर्मन स्कॉलर थे। फॉर सिस्टमैटिक रीजनल स्टडी ही एम्फसाइज द नीड ऑफ फील्ड वर्क, कि जब भी अगर हमें सिस्टमैटिक रीजनल स्टडी करनी है तो उसके लिए फील्ड वर्क बहुत जरूरी है। ये आइडिया भी रिक्टोफन ने ही दिया था। उसके बाद अगर बात करें तो फ्रेडरिच रिट्ज़ेल, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1844 से लेकर 1904 तक का रहा है, और इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए, इनकी फॉर्मल फॉर्मल स्टडी की बात की जाए तो ही वॉज ट्रेंड इन जूलॉजी एंड जियोलॉजी, और इन्होंने जो अपनी डॉक्टरेट हासिल की है वो जूलॉजी, जियोलॉजी एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी में ली है। एंड ही डोमिनेटेड ज्योग्राफिकल सीन इन जर्मनी इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में एज एन स्कॉलर इन्होंने ही जर्मनी में डोमिनेट किया है। एंड ही वॉज प्राइमरली कंसर्न विद नेचुरल साइंसेज, प्राइमरली नेचुरल साइंसेज के ऊपर फोकस ज़्यादा रखते थे। वैसे इनका जो मेन काम हुआ है वो सारा ह्यूमन ज्योग्राफी में हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी पर काम किया है इन्होंने। ही सब डिवाइडेड ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक एंथ्रोपो ज्योग्राफी था और एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, और डार्विन की जो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी थी उससे भी काफ़ी प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए ये भी जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कंसेप्ट में विश्वास रखते थे। ही मेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की इन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी की है। इनके अगर बुक्स की बात की जाए तो ही पब्लिश टू बुक्स ऑन नॉर्थ अमेरिका डीलिंग विद फिजिकल एंड कल्चरल ज्योग्राफी।
दो किताबें लिखी हैं नॉर्थ अमेरिका पर इन्होंने, जो फिजिकल और कल्चरल ज्योग्राफी से डील करती है। उसके अलावा इन्होंने ही रोट एंथ्रोपोजोग्राफी इन टू वॉल्यूम्स। एंथ्रोपोजोग्राफी भी इनकी बहुत फेमस किताब है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। उसके इन्होंने दो वॉल्यूम्स लिखे थे। ये किताब किस बारे में थी ये समझते हैं हम कि जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है हमारे अर्थ पर, उसका लोगों की जिंदगियों पर क्या प्रभाव है, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ पीपल। तो उनकी जो बुक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। इनफैक्ट ही कॉइन्ड द टर्म एंथ्रोपोजोग्राफी, ये जो शब्द है ये भी इन्होंने ही बनाया था। ही यूज डिडक्टिव एंड क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, स्पेशली जो एंथ्रोजोग्राफी है उसको लिखने के लिए जो इन्होंने अप्रोचेस इस्तेमाल की थी वो डिडक्टिव एंड क्रोनोलॉजिकल हैं। वॉल्यूम वन में इन्होंने डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया था, वहीं इन्होंने वॉल्यूम टू में क्रोनोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया था। इस डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बिकेम पॉपुलर आउटसाइड ऑफ जर्मनी, और इनकी जो डिटर्मिनिस्ट वाली अप्रोच थी वो जर्मनी से बाहर बहुत पॉपुलर हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट ही रोट पॉलिटिकल ज्योग्राफी वेयर ही कंपेयर स्टेट टू एन ऑर्गेनिज्म। इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर भी लिखा है जिसमें इन्होंने एक स्टेट को जो है एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है, एक लिविंग थिंग से कंपेयर किया है। और उनकी जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक स्टेट की, उसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया था लेबेनस्ट्रॉम का। लेबेनस्ट्रॉम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। इनका क्या मानना था कि ये जो चीजें हैं या तो ये बढ़ती हैं या घटती हैं, मतलब या तो ये एक्सपेंड होंगी या ये श्रिंक होंगी, ये कभी भी स्टैटिक या स्टेशनरी नहीं होंगी। ही फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप का भी जो कंसेप्ट वो इन्होंने ही दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ट्राइड टू बिल्ड द फंडामेंटल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कंसेप्ट को डेवलप करने की, बिल्ड करने की कोशिश की थी इन्होंने। ही ऑल्सो अर्न द टाइटल ऑफ फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जब इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर इतना काम किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी में को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का को इन्होंने सामने लाया था, स्टेट का थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, तो ये जो चीजें हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की वो सारी इन्होंने रेजल स्टार्ट की है, इसीलिए इनको पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फाउंडर भी कहा जाता है। अब बात करें अगर हेल्फर्ड हेल्फ्रिड हेटनर की, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1859 से लेकर 1941 तक का है। एंड ही वाज पीपल ऑफ रिक्टोफन एंड रिजल, उनके डिसेंडेंट थे। एंड इन एसेंशियली ही वाज अ फिजिकल एंड रीजनल ज्योग्राफर। ये फिजिकल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी से ज्यादा प्रभावित थे कि जब भी ये कोई स्टडी कैरी आउट करते थे तो ये रीजनल अप्रोच से वो स्टडी कैरी आउट करते थे। ही रॉट हिज बुक यूरोप इन 1907। 1907 में इन्होंने एक किताब लिखी थी यूरोप। एंड ही रिवाइव द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एज क्रोनोलॉजी। अभी क्या हुआ, लास्ट के कुछ ईयर में ज्योग्राफी की क्रोनोलॉजिकल स्टडी होने लग गई। क्रोनोलॉजी में क्या होता है, आपका स्पेस एंड टाइम, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है, दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं क्रोनोलॉजी में। कोरोलॉजी में सिर्फ एक कंसेप्ट होता है आपका स्पेस का, तो बीच में कहीं ना कहीं कोरोलॉजी का इन्फ्लुएंस कम हो गया था, क्रोनोलॉजी ज्यादा अपनाने लगे थे ज्योग्राफर्स, पर इन्होंने ये जो क्रोनोलॉजी वाला कंसेप्ट है इसको रिवाइव किया था। ऑल्सो ही पब्लिश ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री कैरेक्टर एंड मेथड्स। ये भी इनका ही एक काम था, इनकी बुक थी जिसको इन्होंने पब्लिश कराया था। ही सपोर्टेड पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म के बहुत बड़े ये सपोर्टर रह चुके हैं क्योंकि इनका मानना था कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं इंसानों को पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है चेंजेस की। ऑल्सो ही एलेबोरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना एंड स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। किसी भी जो फिनोमिना है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंस इन्होंने समझाया है। और इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये रीजनल ज्योग्राफर थे, तो इन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस पर भी काफी जोर दिया है।
इनके ओपिनियन की बात करें तो ही ओपिन दैट ज्योग्राफी इज अ फील्ड इन विच थिंग्स हैव टू बी डिस्क्राइब्ड इन एरियल कंटेक्स्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ मच एज हिस्ट्री वाज द फील्ड इन विच थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड इन देयर टाइम कंटेक्स्ट। देखिए इन्होंने यही बात की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टाइम पीरियड बाद ज्योग्राफर्स क्या मानने लग गए कि ज्योग्राफी क्या है, जब हम इन क्रोनोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम स्पेस एंड टाइम दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं, किसकी, ज्योग्राफी की। लेकिन फिर एल्फ्रेड हेडनर ने क्या कहा कि नहीं, ये दोनों चीजें अलग है, जब हम स्पेस की एरिया की कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे तो वो ज्योग्राफी होगा और जब टाइम के कंटेक्स्ट में करेंगे तो वो हिस्ट्री होगा। इन दोनों के मेल की कोई बात नहीं की थी इन्होंने। He also said the geography is ideographic rather than monothetic. Also, he advocated the concept the unity of geography is in methods. इस कंसेप्ट के भी ये काफी फेवर में थे। Also, इनका एक और ओपिनियन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि the procedure of study of relationship should be from man to nature rather than from nature to man. ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये जो प्रोसीजर होगा, पहले इंपोर्टेंस आप किसको दोगे, मैन को। हम मैन से नेचर पर जाएंगे, हम नेचर से मैन पर नहीं आएंगे। एज आई टोल्ड यू ही वाज सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म। ही रिजेक्टेड द व्यू दैट ज्योग्राफी कुड बी ईदर जनरल और रीजनल। इस चीज का इन्होंने बहिष्कार किया था, इसको रिजेक्ट किया था कि ज्योग्राफी या तो रीजनल होगी या जनरल होगी। Also criticized as he gave more weight to physical geography, ignoring cultural factors. इस basis पर इनको अलग अलग scholar से काफी criticism भी मिला है। अब next बात करें तो Albrecht Penck, इनका जो time period है वो 1858 से 1945 तक का रहा है। ये एक leading German geographer थे 20th century में, जो हमारे last century है उसमें। और इनकी ट्रेनिंग की भी बात करें तो इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग जियोलॉजी में ही हुई है। एंड ही फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी पहले पढ़ते तो थे लोग, बट उसका जो कंसेप्ट है वो इन्होंने डेवलप किया है। ही फाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। लैंडफॉर्म इवोल्यूशन के काफ़ी सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो एल्ब्रेच पेंक ने दिए हैं। Also, he postulated the hypothesis that classification of climates can be made with the help of study of landforms. ये इन्होंने एक hypothesis दी थी कि जो अलग अलग टाइप हैं हमारे क्लाइमेट के, क्लाइमेट की जो क्लासिफिकेशन है, हम उसको लैंडफॉर्म्स की मदद से भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें किसी जरूरी नहीं किसी मेटेरोलॉजिकल डाटा की जरूरत हो, हम उसके बिना भी लैंडफॉर्म्स की मदद से क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पढ़ सकते हैं। ही वाज फर्स्ट टू पॉइंट आउट दैट इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद हायर टेम्परेचर। हमें पता है कि भाई अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, डायरेक्ट रिलेशन में है। तो ये बात भी सबसे पहले किसने कही थी, एल्बर्ट पेंक ने कही थी। ही पॉइंटेड आउट दैट इफेक्टिव रेनफॉल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर। Also, he said कि जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रिवेलिंग टेम्परेचर पर। He stressed on the importance of accurate maps showing relief features for systematic study of geography. उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी स्टडी में सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए ज्योग्राफी में आपको एक्यूरेट मैप्स, आपके पास एक्यूरेट मैप्स होने बहुत जरूरी है। आप उस रिलीफ फीचर्स जो है उसका जो मैप है वो होना बहुत जरूरी है। इन्हीं के आइडिया के बाद, इन्हीं के ये बात कहने के बाद ही टोपोग्राफिकल मैप्स का जो आइडिया है वो सबके सामने आया था। इसी के बाद जो है टोपोग्राफिकल मैप्स बनने लगे थे। ही इंट्रोड्यूस द टर्म जिस्टॉल टू एक्सप्रेस यूनिफाइड फॉर्म ऑफ लार्जर एरियाज। ये जो शब्द है जिस्टॉल, इसको भी इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया ग्रीक वर्ल्ड में, जर्मनी वर्ल्ड में। किस लिए, ये एक यूनिफाइड फॉर्म है वर्ड की लार्ज एरियाज के लिए, जब बहुत सारे लार्ज एरियाज होंगे उनको एक एक साथ यूनिफाई करने के लिए इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था।
इनके ओपिनियन की बात की जाए तो ये कहते थे कि ज्योग्राफी इज अ ब्रिज बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। आपके नेचुरल एंड सोशल साइंसेज अलग अलग है और ज्योग्राफी जो है इनके बीच में एक ब्रिज बनाता है। ही इंस्पायर्ड मैनी यंग स्कॉलर्स, बहुत ही सारे यंग स्कॉलर्स इन्फ्लुएंस थे। इनफैक्ट कॉपन, जिसकी क्लास क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हम आज तक पढ़ते हैं, वो भी जो है एल्ब्रेक्ट फंक से प्रभावित है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट और द फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.